सो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और हम पहुंच गए गैंगटोक। अब एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद थोड़े दिनों का गैप है, तो उस बीच में CET का फॉर्म भर रहे हैं। भरने के बाद अब 26 मार्च तक है डेट। और ये मेरा दोस्त है, हेलो बोल दे भाई। हेलो। तो हाँ, फॉर्म से हम भरेंगे अभी। तो सबसे पहले घर पहुँचे। घर पहुँचते साथ कहने लगे दूध ले गया, तो हम दूध मिल गया और इसका हाउस नंबर भी मिल गया CET के फॉर्म के लिए। अब वापस जा रहे हैं, थोड़ी देर पे जाएंगे आयुष भाई के घर और वहाँ पे दिखाएंगे, वहाँ भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। यो गाइस, आज का प्लान तो ऐसे ही ठप हो गया। फॉर्म तो भर गया CET का, पर लास्ट रह गया अब कि मतलब कौन सा कॉलेज ज्वाइन करूँ। काफ़ी ऑप्शन है। हाँ, और हिरांग कह रहा है कि उसको CET नहीं करना, क्योंकि उसको सिक्किम का कॉलेज चाहिए और वो सिक्किम का गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो CET का ज़रूरत ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। पढ़ने का तो मेरा भी यही दिल है, पर मम्मी से बात करना पड़ेगा, यू नो। चलो ठीक है, अभी तो वैसे फिलहाल हम जा रहे हैं गिटार स्ट्रिंग लेने नीचे। आज तो पहने नहीं है बाजार, नॉर्मली घर के कपड़े में। गाइस, ये रहा व्हाइट हॉल और हम जाने वाले ये वाले रास्ते से, शॉर्टकट पड़ेगा। और ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल वेस्ट पॉइंट, मेरा दोस्त यहीं पढ़ता है, ये बिराम। गाइस, ऐसा हो रहा है, दो मन हो रहा है। क्या हो रहा है कि मतलब मेरा दिल है ना, अब मैं काफ़ी समय से सिक्किम में पढ़ा हूँ, तो मेरे को ना यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम कंफर्टेबल हो गया, मतलब एकदम बढ़िया लगता है। और अब मैं कॉलेज के लिए, वैसे बाहर करना ठीक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ बेसिकली। तो तभी भी सोच रहा हूँ क्या करे, मम्मी से शाम को बात करूँगा। और जैसे कि गाइस, सुबह का प्लान था कि हम जाएंगे आज आयुष के घर, तो कुछ आज आयुष क्रिश्चियन है, तो आज शायद क्रिश्चियन लोग का कुछ प्रोग्राम था, उस वजह से फिर हम गए नहीं उसके घर, तो फिर कल जाएंगे। और अभी हम शॉर्टकट ले रहे हैं, गिटार की दुकान की तरफ जा रहे हैं, मिलते हैं वहीं पे। भाई, विरांग भाई पूछ रहा है ना कि उसको मतलब बॉडी पोस्चर कैसे ठीक करना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ, फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है ना भाई, भुजंगा आसना करो, त्रिकोण आसना करो भाई, सुबह सुबह एक्सरसाइज वो करो ना। अगर आपका स्लाउच पोस्चर है, आगे बेंड फॉरवर्ड, तो आपको एक्सरसाइज ऐसे करनी चाहिए जो आपकी बॉडी को वो करे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स करे स्ट्रेच होने को, तब आपका बॉडी पोस्चर वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। कमेंट करो गाइस अगर ये मैंने सही कहा। तो वैसे जा रहे अभी, यार थक गए गाइस। आज पूरा म्यूजिक लगा हुआ है, क्राउड भी एकदम हो चुका है। देखते हैं यार, मॉल बन जाएगा तो फिर। गाइस, अभी फनी मोमेंट हो गया। अभी हम जा रहे थे ना, तो हम दौड़े, पता क्यों? क्योंकि वो बिरांगीन डैड है ना, अभी ड्यूटी से लौट रहे थे वापस घर को, तो मैं भागा। जैसे ही भागा, पर नोटिस एट दी एंड उन्होंने देख लिया। चलो कुछ नहीं है, बस हम जा रहे हैं अभी स्टेज को ख़त्म करते जल्दी जल्दी से और गिटार की दुकान पर पहुँचते। गाइस देखो यार, इतना बढ़िया मौसम हो के रखा है ना। और अभी क्या हो गया पता है, जैसे हम पहुँचे और हमको पता चला कि भाई आज दुकान ही बंद है। देखो ये वाला दुकान था, इनमें से कोई एक था। अब देखते हैं यार, विरांग भाई बोल रहा है कि उसके दोस्त को फ़ोन करेगा और पूछेगा, उसने भाई मिल जाएगा। अभी विरांग भाई फ़ोन कर रहा है। और वैसे भी आज संडे था, मुझे क्या पता था कि म्यूज़िक शॉप बंद होगा। यहाँ पे एक शॉप जानता था मैं, वहीं पे आया था, पर वो बंद निकला। अभी विरांग भाई कॉल लगा रहा है दोस्त को, पूछते हैं। वो यहीं बसते घर में ना कि नहीं, नहीं। हम यहाँ पे बैठते हैं, अभी वेट करते हैं क्या बोलेगा वो उसका दोस्त। फिर सजिलो बन पूछ रहे हैं। गाइस ऐसे कर सकते हो? अरे ये वाले देखो गाइस, इतना अप है यार। अब वापस हमें इस वाले रास्ते से ऊपर जाना है, यू नो।
थक गया यार। भाई तो ये देखो क्या मिला मुझे। ये देखिए अभी नया पार्क खुला है, एकदम बढ़िया है। कल जाएंगे हम, अभी देखते टाइम मिला तो पहुंचेंगे वहाँ पे भी। भाई मस्त बनाया हुआ यार, ये देखिए। गाइस अभी मैं प्लान बना रहा था ना, हम स्विंग खरीदने के बाद जब ऊपर आएंगे तो हम दोनों भाई मिल के कुछ खाएंगे। पर ये कहने लगे यार इसको हो गया फूड पॉइजनिंग। भाई शक्ल दिखा। भाई शक्ल देख रहे हो, इसको तो खिला के चलूंगा। क्या खाएगा भाई? अभी कह रहा था नहीं खाऊंगा, अभी कह रहा आलू चूरा खाऊंगा। इसका नाम है टिबेट रोड। मतलब यहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मेन बाजार मिल जाएगा, मतलब यहाँ से पूरा बाजार का सेक्शन शुरू है। गिटार शॉप, वो तो भाई भैया चल गया है वापिस। मतलब उन्होंने नए जगह पे दुकान खोला है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक रोल हाउस है, रोल हाउस की जस्ट अपोजिट साइड में आपको मिल जाएगा गिटार का शॉप। ओ रोल हाउस जाने बाटो कौन से हो? वही हो, यहाँ पर होगी क्या पढ़ो? चलते हैं भाई एम जी मार्क लगती नहीं है तो। अरे भाई एम जी मार्क जाने की जरूरत नहीं है, वो रोल हाउस के अपोजिट में। हेरू ना कोई भाई, आज का जो सही रीडिंग दे तो नहीं था यार। अरे दो जगह पे गया, दोनों पे नहीं मिला, और फिर दूसरी जगह जाना क्या पता मिल जाए। पता देखो भाई कौन मिल गया। कौन है भाई? गिटार चाहिए यार, ए गिटार स्ट्रिंग चाहिए। कहाँ मिलेगा पता? सरला नहीं मिल जाएगा, सर मिलते वहीं जा रहे हम। एम जी मार्क तीस साल कैसे जाएगी? अभी तो आगे जाते चला था, क्या करेगा। ठीक है भैया अभी मिल जाए। गाइस पहुंच गए एम जी मार्क। भाई होपफुली गिटार स्ट्रिंग मिल गया इधर, रेडी है फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग। बहुत क्राउड हो गया था यार मार्केट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। भाई जगह जगह पे होली गिरी हुई है आज ना, यहाँ पे होली मनाया। पर मेरे को पता है कि कल होली है, आज को नहीं डेट हो, आज 24 को बोला था होली का, पर यहाँ तो 24 में लगे है। चलो प्री होली होगा, प्री सेलिब्रेशन है ना, तो सही है। कल हम दोस्तों लोग ने बुलाया है, फिर देखते हैं कल होली का प्लान बने तो फिर होली खेलेंगे, है ना। चलो अब जा रहे आराम से। और बहुत अप यार रोड, अब सीधा पैलेस जाएंगे, पैलेस दिखाएंगे। ओह बहुत गर्म हो रहा है, स्वेट आ रहा था। अब भाई यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा हमको, स्टेज एकदम ऊपर है यार। और बिरंग भाई मज़ा आया? मज़ा आया। इसको मज़ा आया भाई, चलने में मज़ा आया भाई, है मेरी तो भाई गया यार एकदम। अब जा रहे सीधा पैलेस, इस स्टेज को कंप्लीट करेंगे यहाँ से ऊपर। डर भाई इस वाले रास्ते से लाए, मेरे को लग रहा है डर भाई। भाई कहा भाग रहे यार तू, मत भाग यार। यार भाई लग रहा डर, बहुत कुत्ते भौंक रहे यार मेरा ना। गाइस ये वाला चिक देखो, इस पे जो कट का निशान है ना, ये जब मैं 4 to 5 years जब छोटे में था तो उस समय थोड़ा शरारती था ना, तो मैं घुस गया बेड के नीचे, ठीक है, क्योंकि मैं अपने पप्पी से प्यार करता था। तो क्या हो गया, मैं बेड के नीचे गया, वो सोया हुआ था आराम से। मैंने उसका खींचा पूछ, जैसे उसका मैंने पूछ टेल खींचा, खींचने के बाद भाई सीधे उसने मेरे को भाई चिक पे किस कर दिया।
उसके बाद से यार थोड़ा डर लगता है। बिरांग के बिछड़े हुए भाई, भाई सैड तो नहीं है ना? इसका रिएक्शन ही सब बोल रहा है भाई। बिरांग अपना फेमस डायलॉग बोल दे यार। कौन ठीक है सब दोस्त? भाई इतना ईजी करता है, इसका सिर्फ एक ही रहेगा, हैरी। अगर आपको सिचुएशन में हो ना सीरियस या तो फनी, ये बोलेगा हैरी अचानक से और बोलेगा ठीक है। अरे भाई बंदा सही है, लेकिन यार खुशी होती है कि मेरा ऐसा दोस्त है। गाइस हम पहुंच गए यार, बहुत गर्मी हुई यार, पसीना पसीना हो गया एकदम। बैठिए विरांग भाई, थक गया ना? चलो अभी यार गाइस 5 मिनट्स वेट करते हैं, मतलब रेस्ट, फिर उसके बाद पहले चलते हैं। प्यार तो मिला ही नहीं यार, छोटा प्यार भी नहीं मिला। हमारे घर तो रिश्ते वाले आते हैं, बोलते हैं लड़का दिखाओ, लड़का दिखा दो, बोलते डॉक्टर को दिखाओ। भाई गाइस मेरा पहले से गेट समझा रहे हैं। चीज़ और क्या बोला भाई? इसका हिस्ट्री का एग्जाम है, मेरे साथ घूम रहा है। 5 बजे सो 5 तो बज गया भाई। ए, हमारे आए हैं पंजाबी भाई, भाई लोग बहुत अच्छा हो रखा है यार। रुको गाइस आगे से दिखाता हूँ, देख रहे हैं ना ये पूरा टाउन है गैंगटॉक का, और वो जो बड़ा सा है वो भी नया MNC खुल रहा है यहाँ पे, मॉल मल्टीप्लेक्स, और उसका नाम है वेस्ट पॉइंट, जो कि हमारे टूरिस्ट लोग अच्छे से लामा लोग के साथ कंबाइंड ग्रुप फोटो ले रहे हैं। बढ़िया मौसम है यार, बढ़िया। ये कह रहा है कि भाई यहाँ से अगर हम जंप करें ना तो हमारा पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बल भाई टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तू खुद बोल। हाँ ये बोल रहे कि जो ग्रास है ना उसके वजह से हमारा पैर नहीं टूटेगा। हट टूट जाएगा यार। गाइस अभी मैं थोड़ी देर के लिए फोटोग्राफर हो गया था भाई, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक ग्रुप फोटो ले लोगे क्या बोल के, तो मैंने बोला जी बिल्कुल। तो भाई घूम रहे हैं तो गाइस अच्छे से आप यहाँ आके अच्छा सा सनसेट भी होकर रखा है। गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ ना, जब मैं उनका फोटो ले रहा था भाई, मेरा बाल देखो इस बार हेयर स्टाइल जो किया है ना भाई, एकदम बकवास है, और मेरा सीवियर हेयरफॉल हो रहा है, और मुझे ना यू नो ट्रीटमेंट के लिए जाना है अभी दिल्ली, उसका भी तो ब्लॉग बनेगा, एकदम बनेगा, बिल्कुल डालेंगे। अभी थोड़े दिनों तक मैं रहूँगा मेरे चाचू जी के वहाँ, तो करीबन एक हफ्ता जैसा, उसके बाद मेरे पापा जी आ जाएंगे, उसके बाद वापस शीट करके अपने हिमाचल वापस। और जा रहे यार अभी मुझे इस बाल का सबसे ज़्यादा टेंशन है, बाल एक बार चल गए तो यार भाई मुझे जल्दी से एंड्रू टेट नहीं बनना यू नो। जो गिटार स्ट्रिंग लेने गया था उसका, और यार भाई एक दुकान गया दूसरे दुकान गया, आज इतना लकी मैं अनलक्की था ना कि मैं दोनों दुकान पे नहीं मिला, फिर एट द एंड लास्ट दुकान पे जाके तो मिल गया, फिर आए वापस। अब जा रहे घर की तरफ, और सच को तो यार आज का मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया एकदम। बर्ड्स पे एकदम मजे से फ्लाई करे यार ओपन स्काई पे। बिरांग बोल रहा हूँ, बिरांग भाई का ना अभी मेरा तो मेरा जो एग्ज़ाम्स है ना वो सब ख़त्म हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, और इनका जिनका ये जिन्होंने हिस्ट्री लिया था ना उनका 28 को ख़त्म होगा, तो मेरा तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मैं तो घूम रहा हूँ फ्रीली भाई, व्लॉग्स बना रहा हूँ, और बिरांग भाई को ये कह रहा है इसको अरे टेंशन। मैं कहा भाई एक काम कर है ना, ज़्यादा टेंशन मत ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह देख, कौन शॉर्ट वीडियो देख है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और अपना आंसरिंग करो है ना, सही रहता है क्या भाई? बोल फिर से। खाने खाता अरे इसको गाइस देखो
मैंने इसको बोला कि भाई खाओ, नहीं खाएगा। इसके चक्कर में मैं भी नहीं खाया, मेरे को भी लग रहा है भूख। और अब हम वापस जा रहे, परे चलते हैं यार, परे कैंटीन में ना अगर कुछ मिल जाए तो फिर कैंटीन में कुछ खा लेंगे ना। पहुंच गए यार गाइस, ऑलमोस्ट पहुंच गए। और बिरंग भाई जाके पड़ेगा पढ़ना पड़छा भाई, पढ़ने तो पड़ेगा यार। सब मस्त से खेल रहे यार, एक टाइम था जब हम भी खेलते थे यार यहाँ पे। अब क्योंकि छोटे की तो बहुत मेमोरी है यार इस जगह पे, ये मैं और हमारे काफ़ी दोस्त है, हम लोग यहीं खेलते थे यार। आजकल इनको देखता हूँ ना तो वही छोटे वाले दिन याद आ जाते हैं। तो छोटे थे यार, खेलते थे यार, बड़ा मस्त था यार वो दिन। क्यों भाई याद नहीं आता भाई उस दिन का, उस समय का, उस पल का भाई? चलो कोई नहीं यार, सब अपनी लाइफ में बिजी है कि नहीं, ऐसा होता है यार, कोई नहीं। इसको लग रहा है भूख भाई तकड़े वाला, मेरे को भी लग रहा है यार, बस पहुंचने वाले गाइस। डाउनस्टेयर्स लग रहा था बहुत भूख। एक प्लेट बोला चिकन राइस 120 बोला, और एक पाले खाएगा बिरंग भाई 40 गाइस। हमने खा लिया और हम जा रहे वापस। ओए टीचर ब्लॉगर भाई देखो, वो मेरा दोस्त था साइकिलिस्ट, क्रिकेटर है पर साइकिल चलाना जाते हैं। चलो अब यहाँ से विदा और मैं अपने घर। ठीक है भाई, अच्छा लगा इसमें, सगल हो गया। ठीक है भाई अभी पड़ेगा, मिलते हैं एकदम। ठीक है पहुँच गए घर, और ये मेरे चाचू है जिनको नहीं पता। बस एंड ऑफ द ब्लॉग, तो आज यही रहा था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।